हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको बताने वाला हूं दोस्तों कैसे दोस्तों अपने डिवाइस में दोस्तों ऐप डाटा का क्लियर कैच और क्लियर डाटा कर सकते हो। दोस्तों अपने फ़ोन दोस्तों किसी ऐप का आप क्लियर कैच या क्लियर डाटा करना चाहते हो दोस्तों कैसे कर सकते हो आज की इस नई वीडियो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आपको अपने फ़ोन में क्या करना है किसी ऐप का क्लियर कैच या क्लियर डाटा करने के लिए, दोस्तों सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाओगे। आप सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेना नीचे की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट वाले सेटिंग पे क्लिक कर देना है। ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करने के दोस्तों यहाँ पर आपको ऐप सेटिंग दिखती है, ऐप सेटिंग पे क्लिक कर देना। दोस्तों यहाँ पर आप उस वाले ऐप पे क्लिक करना जिसका आप क्लियर कैच या क्लियर डाटा करना चाहते हो। एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे गैलरी है, यहाँ पे क्लियर कैच और क्लियर स्टोरेज करेंगे यहाँ पे इस ऐप का क्लियर डाटा हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपके किसी ऐप में प्रॉब्लम है, मतलब कि दोस्तों अगर अपने फोन में आप कैलकुलेटर को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आके सर क्लियर डाटा कर देना। दोस्तों आपको जो कैलकुलेटर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आप यहाँ पे देख भी सकते हो और भी ऐप है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अलार्म आपके फ़ोन में ऐड नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम दोस्तों अलार्म को लेके, तो यहाँ पर क्लियर कैच करके अपने क्लियर डाटा कर देना इस क्लोक ऐप का, आपके दोस्तों अलार्म की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर जो जो ऐप है आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो क्लियर कैश और क्लियर डाटा करके। दोस्तों कीबोर्ड पे क्लिक करते हो अगर आपका कोई कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, वॉइस टाइपिंग प्रॉब्लम है, कीबोर्ड टाइपिंग प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इस फाइल ऐप पर क्लिक करता हूँ दोस्तों गूगल फाइल ऐप पर एक सेकेंड, तो दोस्तों जो आपका सेफ फोल्डर होगा, जो आपका सेफ फोल्डर का पासवर्ड होगा दोस्तों वहाँ पर वो डिलीट हो जाएगा, देख सकते हो नोटिफिकेशन भी आएगा। दोस्तों आप देख सकते हो आप जब इस वाले फाइल को ओपन करोगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेव फोल्डर ये डिलीट हो चुका है, आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा फोटो वीडियो को हाइड करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आप शॉर्टकट सेटिंग से भी कैसे आपका क्लियर कैच और क्लियर डाटा कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं करता हूँ कैलेंडर का, ऐप इन्फो पर क्लिक करना, स्टोरेज पर क्लिक करके यहाँ पर क्लियर डाटा कर देना। और दोस्तों जब भी आप अपने फ़ोन में कैलेंडर ऐप को ओपन करोगे आपको उसको सेटअप कर लेना है। पहले इस तरीके से इंटरफेस आएगा, राइट स्वाइप यहाँ पर क्लिक करोगे, गॉट इट करोगे, कैलेंडर ऐप को ओपन कर सकते हो। ऐसे दोस्तों आप देख सकते हो किसी भी ऐप का आप यहाँ पे क्लियर कैच और क्लियर डाटा इस तरीके से कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप इंस्टाग्राम ऐप का करोगे, स्नैपचैट का, व्हाट्सअप वगैरह का, दोस्तों आपकी आईडी जो लॉग आउट हो जाएगी, आपको यहाँ पर फिर इसको लॉग इन करना पड़ेगा। ओके पे क्लिक करने का दोस्तों आप देख सकते हो आपको इसको लॉग इन करना पड़ेगा। नेट कनेक्ट करोगे, फिर आपको नेट कनेक्ट करने के बाद आईडी पासवर्ड इंटर करने के बाद इसको लॉग इन कर लेना है। दोस्तों इस तरीके से अपने फोन किसी ऐप का क्लियर कैच और क्लियर डाटा करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे दोस्तों स्नैपचैट का भी अगर आप कर दोगे, और दोस्तों जो आपको कोई डाउनलोड हुआ ऐप है तो आप उसको यहाँ पे अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, हटा सकते हो अपने फ़ोन से। और दोस्तों यहाँ पर आप तो क्लियर डाटा करेंगे दोस्तों जो स्नैपचैट की आईडी यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगी, मुझे इसको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा अपने फ़ोन में। दोस्तों मिलते हैं स्टूडियो में, जान से पहले वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।